कोरोना भत्ता का बकाया भुगतान करने, न्यूनतम वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा, पेंशन सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आशाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव से पूर्व सरकार ने COVID-19 का सितंबर 2021 से बकाया राशि के भुगतान सहित कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हम अपना मानदेय के लिए आए हैं। हम लोग खटीमा भी गए थे तो हमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अभी मैं थोड़े दिन के लिए ही बनाऊं, इसलिए अगर जाकर 5 साल के लिए बन जाऊंगा तो मैं आशाओं का कुछ करूंगा। लेकिन हमारा धरना जबरदस्ती बंद करा दिया गया। आपका मानदेय हो गया, आपका मानदेय हो गया, हमें सब ने यही कहा कि मानदेय हो गया, मानदेय हो गया। लेकिन हम हॉस्पिटल में गए तो हमारा कोई मानदेय का खाते में पैसा नहीं आया है और अभी तक भी नहीं आया है। और 5 महीने से हम बहुत परेशान है, सब आशाएं परेशान है, और जिनका बेचारों का घर इसी आशा से ही चलता है वो बेचारे बहुत परेशान है।